दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब यूक्रेन लगभग लगभग बर्बाद हो चुका है। अब वहां सिर्फ मलबा पड़ा है और कुछ नहीं बचा है। यूक्रेन के सामने हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि यूक्रेन अब पाकिस्तान से हथियारों को इंपोर्ट करने के लिए गुहार लगा रहा है और हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। वो लगातार मोदी से भी गुहार लगा रहा है कि कैसे भी ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो वहीं दोस्तों अगर पुतिन की बात करें तो वो भी इस युद्ध को जल्द समाप्त करने के मूड में हैं। पुतिन अब इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके इसे खत्म कर देना चाहते हैं और इसके लिए रूस को पड़ रही है भारत की जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको मैंने इस मामले में बताया भी था कि रूस जल्द भारत से हथियारों की डिमांड कर सकता है क्योंकि उसके तमाम हथियार या तो बर्बाद हो चुके हैं या फिर नाकाम हो रहे हैं। लिहाजा दोस्तों अब वो भारत से उन हथियारों की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहा है जो सबसे ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। दूसरा, जो भारत के लेजर वेपन्स हैं जैसे कि काली 10,000 या फिर दुर्गा 2 वेपन और कुछ और दूसरे हथियार हैं जो DRDO इस वक्त बना रहा है, और दोस्तों इन हथियारों को रूस भारत से मांगने में लग गया है। अब दोस्तों रूस ने भारतीय हथियारों को यूक्रेन पर इस्तेमाल करने के लिए मोदी सरकार से तगड़ी डिमांड कर डाली है और इस लिस्ट में जो हथियार सबसे पहले नंबर पर है, यकीन मानिए इस हथियार ने यूक्रेन तो क्या पूरी दुनिया को डरा करके रखा हुआ है, नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो आखिरकार दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ, रूस ने भारत से मांग लिए हैं गेम चेंजर हथियार। पुतिन ने ऑफिशियली मांगे हैं ब्रह्मोस काली जैसे हथियार। बिल्कुल दोस्तों अब रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसी मिसाइलें चलेंगी जिनका वार दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार ही अगर फायर हो गई तो फिर खेल ही खत्म समझिए। अब दोस्तों ऐसी मिसाइलों की पूरी खेप रूस भेजने की तैयारी भारत करने वाला है क्योंकि भारत रूस का जिगरी दोस्त है और रूस ने अगर इस बार डिमांड की है तो मोदी भी इस मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर रूस ने ब्रह्मोस इसी वक्त क्यों मांगी है, क्या परमाणु युद्ध का संकेत अब पुतिन ने दे दिया है, तो वहीं क्या भारत के लेजर वेपन्स भी रूस जाने वाले हैं। तमाम बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों अब दुनिया के बाजार में, दुनिया के डिफेंस मार्केट में और दुनिया के ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा खेल होने वाला है। दोस्तों इस वक्त भारत चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग के साथ ही अब 23 अगस्त को चंद्रमा पर उसके उतरने का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी ओर भारत का DRDO भी लगातार वेपन्स की श्रृंखला को खाने में लगा हुआ है, लगातार मिसाइलें फायर हो रही हैं और इससे भारत ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों अब रूस ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए तगड़ी डिमांड की है। एक खबर ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन में रूस के ज्यादातर हथियार अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हो चुके हैं। वहीं अब तक का इतिहास ये रहा है कि रूस ने हमेशा से भारत को हथियार बेचे हैं और अब पहली बार है जब रूस भारत से हथियार खरीदने वाला है। यानी दोस्तों अब आप खुद देखिए भारत की ताकत कि भारत अब रूस को हथियार बेचेगा। वहीं दोस्तों भारत के इस फैसले से पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अगर भारत रूस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचता है तो ये अमेरिका और नेटो कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी क्योंकि यूक्रेन में जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और नेटो की ओर से तैनात किया गया है उसके पास भी ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की कोई क्षमता नहीं है, और जिन एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास ब्रह्मोस को रोकने की ताकत है वो काफी ज्यादा एडवांस क्वालिटी के हैं जिनकी तैनाती यूक्रेन में संभव ही नहीं है। और दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने की ताकत है, चीन के पास तो वो ताकत भी नहीं है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल दिनकर राणे ने कहा है कि उनकी कंपनी लगातार हवा से प्रक्षेपित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए रूस को एक संभावित बाजार के तौर पर देख रही है। उन्होंने बाकायदा दावा किया है कि रूस के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी कोई भी मिसाइल सर्विस में नहीं है। दोस्तों राणे ने कहा है कि अगर रूस ने इसे यूक्रेन युद्ध से पहले खरीदा होता तो उसके पास ज्यादा मौजूदा स्थिति में उपयोग करने के लिए बहुत सारी चीजें होती, यानी रूस के बाकी हथियार बेकार नहीं होते, अकेली ब्रह्मोस मिसाइल ही
दुश्मनों को साफ कर चुकी होती। और दोस्तों अब आपको बता दूं कि रूस संभावित तौर पर ब्रह्मोस का इस्तेमाल अपनी P-800 ओनिक्स मिसाइल के रूप में कर सकता है। दोस्तों यही वो मिसाइल है जिसे आप ब्रह्मोस की फादर मिसाइल कह सकते हैं। ये P-800 ओनिक्स एक जहाज रोधी मिसाइल के तौर पर डिजाइन की गई है। इसका उपयोग सीरिया और यूक्रेन में जमीनी टारगेट्स के खिलाफ किया गया था। लेकिन दोस्तों ब्रह्मोस की बात ही कुछ अलग है। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जो न केवल आसमान से, जमीन से या फिर जल से, बल्कि ये पनडुब्बियों से भी दागी जा सकती है। दोस्तों इस पर परमाणु वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसका किसी के पास में तोड़ नहीं है और ये हर तरीके से काम आने वाली मिसाइल है। क्या होगा अगर यूक्रेन पर यूज हुई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल? क्या होगा अगर यूक्रेन पर चली भारत की काली और दुर्गा 2 मिसाइलें? दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एशिया टाइम्स के मुताबिक यदि यूक्रेन युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल का रूस इस्तेमाल करता है तो पश्चिमी देशों के पास ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला करने के लिए कोई भी हथियार नहीं होंगे। स्टॉर्म शैडो जैसी पश्चिमी क्रूज मिसाइलें सबसोनिक डिजाइन की हैं जो ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने की काबिलियत ही नहीं रखती हैं। यूक्रेन में रूस की बहुचर्चित किंजल मिसाइल फेल हो चुकी है और रूस को अपनी इस मिसाइल से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो फ्लॉप हो चुकी है। इसके बाद रूस को भारत से मिसाइल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि दोस्तों अभी ये तय नहीं है कि क्या यूक्रेन युद्ध के समय भारत सरकार ब्रह्मोस कंपनी को रूस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की इजाजत देगी या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर भारत पश्चिमी देशों के गुस्से का शिकार हो सकता है। हालांकि दोस्तों भारत ऐसे किसी भी देश के दबाव में नहीं आने वाला है। बड़ी बात तो ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि रूस भारत से काली और दुर्गा 2 जैसे हथियार भी मंगवा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को एक अलग ही तबाही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काली लेजर वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसी है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित करके कागज को जला दिया जाता है। कम शक्ति वाले लेजर्स को कई सेकंड्स के लिए लक्ष्य पर टारगेट करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर्स वेपन बहुत जल्दी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों लेजर वेपन से क्रूज मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला करके राख कर सकते हैं। साथ ही हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की ताकत भी रखते हैं। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फिर फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनामिकली मिसाइलें अनस्टेबल होकर के क्रैश हो जाती हैं। इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को इसके जरिए अंधा करने की ताकत भी होती है, जो बेहद विनाशकारी परिणाम देती है। ये लेजर वेपन्स रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। दोस्तों दुर्गा लेजर वेपन तकनीक का इस्तेमाल करके दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभलने का मौका देती है और ना ही हमले का कोई भी सबूत छोड़ती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब रूस को ब्रह्मोस मिसाइलें, काली वेपन या फिर दुर्गा 2 जैसे वेपन्स को देना चाहिए या फिर भारत को इनको रोक लेना चाहिए और भारत को इस पूरे के पूरे युद्ध को किसी और रणनीति के तहत सुलझाना चाहिए? आपका इस मामले में क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।